नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैं हूँ शेफ गिरीश दुबे और आज की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ में। उससे पहले कि आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग बड़े कमाल की रेसिपी देने वाला हूँ। चलिए आज की रेसिपी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। पत्ती है जो कि गाँव में फेमस है और गाँव की फेमस डिश है ये, और हर त्योहार पे ये लोग संक्रांति पे जो जरूर बनाते हैं इसके लिए, और इसको आप टी स्नैक्स भी बोल सकते हैं और काफी अच्छा लगता है खाने में। और बेसन का बनाते हैं तो गांव का बहुत ही फेमस डिश है चने के लड्डू और बत्तिया। तो आप लोगों दिखाते हैं जैसे बत्ती बनाते इस तरीके से ही बनाते हैं वो, तो आप लोग उसका नाम इसलिए बत्तिया दिया हुआ है और गाँव की बहुत ही फेमस डिश है और आप लोगों को दिखाते हैं। तो हमने बेसन लिया है, करीब हम 200 ग्राम बेसन लेंगे, 50 ग्राम ऑयल लेंगे, थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर लेंगे, सॉल्ट, अजवाइन, रेड चिल्ली पाउडर और हींग, हल्दी और एक कोरिएंडर जो कि हमने फ्रेश कोरिएंडर हो तो फोड़ लिया है, मतलब एक के दो कर लिया है। आप इस तरीके से कर लें। और इसमें अगर आप लोगों को जो फ्रेश कोरिएंडर का जो फूल आता है जिसमें जो कच्चा फल होता है वो मिल जाता है तो मजा आ जाएगा पत्तियों में और बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये आप टी स्नैक्स भी बोल सकते हैं, चाय के साथ खाने का स्नैक्स, वो काफी टेस्टी होता है। तो चलिए हम बनाने स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी सी अजवाइन डालें इसके अंदर और ज्यादा नहीं डालना, हाफ टी स्पून का, हाफ टी स्पून। और इसके अंदर हम एक टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर और टर्मिक पाउडर हाफ टी स्पून डालेंगे। और जो हमने आप लोगों को दिखाया था कोरिएंडर हमने फोड़ लिया जिसको हमने तो उससे मिक्सर में हल्का सा ग्राइंड कर लिया है और इस तरीके से होना चाहिए। और जरा सी हींग डालेंगे, हाफ टी स्पून की, हाफ टी स्पून हींग डालेंगे ये देखिए। और सॉल्ट हमेशा स्वाद अनुसार डालें और हमने हाफ टी स्पून डाला है। और चलिए इसके अंदर हम तेल डालेंगे। तेल इसलिए डालेंगे कि हम इसको सॉफ्ट करने के लिए वो नहीं डालेंगे सोडा वगैरह, हम ऑयल से ही सॉफ्ट करेंगे। तो करीब थोड़ी सी चॉप कोरिएंडर डालेंगे और जरा सा हम पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे पानी, इसको टाइट लगाना है आटे के लिए। और इसको हम लगा लेते हैं आटा के लिए और आप लोग दिखाते हैं। और हमारा ये नमकीन गए देखिए इतना टाइट होना चाहिए ये देखिए, और तैयार। और इसको हम आप लोग बना के दिखाते हैं, बना लेंगे ये देखिए इस तरीके से और ऐसे बनाएंगे। और कोई भी चीज इस तरीके से हम कर लेंगे ये देखिए, और ये इसको इस तरीके से बना लेंगे। और आप जैसे भी शेप में चाहें वैसे शेप में आप लोग बना सकते हैं और ऐसे चाहें आप लोग ये देखिए ऐसे बनाएंगे और ऐसे भी बना लेंगे ये देखिए। तो इसी का टी स्नैक्स भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। और हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं, थैंक यू। तो ज़्यादा फास्ट ऑयल में भी नहीं करना है, ज़्यादा स्लो ऑयल में भी नहीं करना है, मीडियम ऑयल में फ्राई इस तरीके से कर लेंगे। और देखिए कितनी प्यारी और एकदम फटने लग गई, तो मतलब लगी तो जरूर बताएं आप लोग कमेंट करके, थैंक यू। और देखिए इस तरीके से फ्राई कर लेंगे अच्छे जो हो चुके हैं, और ये थोड़ी सी ठंडी होंगी तो खाने में बड़ा मज़ा आएगा और चाय के साथ तो बहुत मज़ा आता है। तो चलिए और आप लोग इस तरीके से जरूर रेडी बनाएं और कमेंट करके जरूर बताएं, लोग बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस तरीके से इसे इसलिए ऐसे ही करते हैं कि ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फ्राई करने में दिक्कत आती है, तो इस तरीके से मोड़ देते हैं। और हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर करें, थैंक यू। और इसको आप कम से कम 20 से 25 दिन भी रखेंगे तब भी वो ऐसे ही टेस्ट रहेगा, इसका टेस्ट खराब नहीं होता है। और अजवाइन और हींग डाली है तो आप लोगों को पता ही अजवाइन और हींग के कितने रेट, इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं और चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है, आप एक टी स्नैक्स हो गया ये। और थैंक यू, और हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, थैंक यू।